नई नस्ल को तंदुरुस्तो तवाना बनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने डीजी खान में न्यूट्रिशन प्रोग्राम के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया। तकरीब से खिताब में कहा, बच्चों के लिए ऐसे सोचती हूँ जैसे एक माँ सोचती हूँ। वसाइल थोड़े हैं मगर चाहती हूँ सब बच्चों को अच्छी गजाइयत दी जाए। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई सिंगल डिजिट पर थी, 7 साल बाद एक बार फिर महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रजू, सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। क्या एक वज़ीर-ए-आला के लिए मुमकिन है कि मुल्क से भाग गए? डॉक्टर ने 8 से 10 रोज आराम का कहा, खिलाफ कानून वारंट निकाले गए। वकील के दलाइल, आइंदा समाअत पर अली मीन गंडापुर के पेश होने की यकीन दहानी। £190 मिलियन रेफरेंस, बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सेशन कोर्ट ने बुरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी कर दी। जेल हुकाम से वीडियो लिंक पर हाजिरी ना लगवाने पर दोबारा रिपोर्ट तलब। गुजरांवाला के सरकारी स्कूल में बच्चियों से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार, 5 मुकदमा दर्ज। मुलजिम का इतराफ जुर्म, मोबाइल से नाजेबा वीडियोज भी बरामद। बच्चियों से ज्यादती का मुलजिम स्कूल कैंटीन में मुलाजिम है। पाकिस्तान का फलस्तीन में इसराइली मजालिम बंद करवाने का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, आलमी बरादरी फलस्तीन में होने वाले जुल्म रोके। मुमताज हरा बलोच ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की बात की। मसला कश्मीर का हल सलामती काउंसिल की करारदादों के जरिए ही मुमकिन है। तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, आज दोपहर 2:15 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दाखिली सलामती के मोड़, दहशतगर्दी के खिलाफ उठाए गए इकदाम समेत अहम मामलों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी से तुर्क सफीर की मुलाकात। बाहमी तालुकात, इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में तावुन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। तुर्क सफीर की बलोचिस्तान हमले की मजम्मत, तहकीकात में तावुन की पेशकश कर दी। कायमा कमेटी के इजलास में अरकान की तल कलामी के मामले पर सेनेट में भी गर्मा गर्मी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सदीकी को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। वक्फे के दौरान यूसुफ रजा गिलानी और आजम नजीर तारण ने शहादत अवान और सैफुल अबड़ू की सुलह करवा दी। ऐवान में दोनों सेनेटर्स गले मिले। और सिंध के कई इलाकों से बारिश के पानी की परेशानी। बदीन और इतराफ के दही इलाकों में बच्चे गंदे पानी से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर। मलेरिया समेत कई बीमारियां फैलने लगीं।